कैसन बा भैया? ठीक बा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप अपने YouTube वीडियोस को प्लेलिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हो और ऐड करने का क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों कोई ऑडियंस या कोई आपके सब्सक्राइबर या व्यूवर्स आते हैं दोस्तों तो आपका वीडियोस तो देखता ही है दोस्तों, मगर आपको चैनल को जब विजिट करता है तो आपके वीडियोज बहुत सारे रहते हैं, तो उस वीडियोज में उसको जिस टॉपिक से रिलेटेड उसको देखना रहता है तो ढूंढ नहीं पाता है। तो प्लेलिस्ट में ऐड करने से ये होता है, जिस टॉपिक पे आप जितने भी वीडियोज बनाए हैं प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड वो वीडियोज देखना चाहेगा तो देख सकता है दोस्तों। तो यही फायदा होता है कि प्लेलिस्ट में ऐड करने से वीडियोस का जो नए व्यूवर्स आते हैं या नए ऑडियंस आते हैं तो आपको चैनल का विजिट भी कर लेंगे और प्लेलिस्ट में ऐड रहते हैं तो उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यही फायदा होता है प्लेलिस्ट में ऐड करने से, आपका चैनल और प्रोफेशनल दिखता है दोस्तों। तो मैंने कुछ वीडियो जो है सो प्लेलिस्ट में ऐड करके रखा है, आप लोग को दिखाने वाला भी हूँ और ऐड करना भी सिखाऊंगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज के वीडियोज में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube वीडियोज का प्लेलिस्ट में ऐड करते हैं तो आपका चैनल थोड़ा आपका प्रोफेशनल दिखता है। जिस टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहता है कोई यूट्यूबर वीडियो तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे को कहाँ जाना है दोस्तों, YouTube एप्लीकेशन में। YouTube एप्लीकेशन को दोस्तों ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, ऐसे जो है सो ओपन होने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस खुलेंगे हमारे YouTube का। तो YouTube एप्लीकेशन के इंटरफेस खुलने से जो है सो ऐसा खुलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे को जाना कहाँ पर है, अपने चैनल पर। तो दोस्तों देखिए मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐसे ही क्लिक करने के बाद दोस्तों योर चैनल पर क्लिक करना है। जैसे ही योर चैनल पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर वीडियोज में जाना है। वीडियोज में जाएंगे तो देखिए आपका वीडियो सारा शो करने लगेगा दोस्तों, आपके जितने भी वीडियोज है सारा शो करने लगा दोस्तों। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले प्लेलिस्ट में। देखिए दोस्तों मेरा प्लेलिस्ट में जो है सो ऐसे ऐसे मैंने इस वीडियोज़ को लाइक किया है, लाइक वीडियोज़ पे प्लेलिस्ट में भी है दोस्तों। न्यूज़ है दोस्तों, बोया माइक्रोफोन, ओपन कैमरा, प्रोटोनिक स्पीकर, बैंक इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से जो है आप अपने वीडियोज़ का प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं। जो कोई भी यूट्यूबर आएगा आपका वीडियोज़ देखेगा तो आपका जो है सो अच्छा लगता है दोस्तों। तो आपको प्लेलिस्ट में ऐड करना आज सिखाऊंगा कि ये मान लीजिए कि आपका यूट्यूब एप्लीकेशन में ऐसा जो है सो यूट्यूब का इंटरफेस खुलता है आपका चैनल को। दोस्तों मैं पहले वाले वीडियो को आपको प्लेलिस्ट में ऐड करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये आपका वीडियो का जो थ्री डॉट है दोस्तों, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेव टू वॉच लेटर लिखा हुआ है, सेव टू प्लेलिस्ट, एडिट डाउनलोड वीडियो और शेयर। तो दोस्तों मेरे को क्या करना है, प्लेलिस्ट में ऐड करना है। तो इस वीडियोज़ को मैं दोस्तों प्लेलिस्ट में ऐड करने के लिए सेव टू प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों मैंने, आप चाहे तो नया प्लेलिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है सो इस वीडियोज़ को जो है सो प्लेलिस्ट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट का जो भी ये नाम है दोस्तों, मैं ये पहले कर चुका था, मैं पहले जो है सो बना चुका हूँ प्लेलिस्ट में, तो ये मेरा शो कर रहा है दोस्तों। तो आप न्यू प्लेलिस्ट करना चाहते हो तो आप जो है सो क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपना वीडियोस को है सो आप प्लेलिस्ट में कैसे ऐड करें। तो दोस्तों मैं ओपन कैमरा में, जो आपको मान लीजिए कि यहाँ पर दोस्तों ये मेरा फर्स्ट भी यहाँ पर आ रहा है, या दोस्तों मैं इस सब में मैं जिसको पब्लिक किया हूँ दोस्तों, ये मेरा पब्लिक है, इसमें आपका वीडियो शो करने लगेगा प्लेलिस्ट, अदरवाइज कोई नहीं देख पाता है। तो दोस्तों मैं प्लेलिस्ट को थंबनेल कैसे बनाया गया है इस पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। जैसे ही क्लिक कर दूंगा यहाँ पे डन का ऑप्शन है, डन पे क्लिक कर दूंगा। ये जो है सो दोस्तों जिस फाइल में मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किया हो उस फाइल में जो है सो दिखने लगेगा, शो करने लगेगा। तो आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ दोस्तों, लेकर चलता हूँ आपको प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद दोस्तों मैंने थंबनेल कैसे बनाया जाए, इसमें मैंने जो है सो दोस्तों अपने वीडियोज को ऐड किया हो, तो ये इस पर ओके करूँगा दोस्तों। जैसे ही ओके करूँगा देखिए मेरा ये वीडियो शो करने लगा, यूट्यूब के वीडियोज डिलीट कैसे हुआ दोस्तों। ये आप इस तरीके से जो है सो आप अपने वीडियोज का प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही आसान है प्लेलिस्ट ऐड करना। यदि आपको नहीं आता है तो दोस्तों इस वीडियो से आप सीख जाएंगे, और नहीं सीख पाते हैं तो आप मेरे वीडियोज पे कमेंट कर देंगे तो मैं आपका लिए नए वीडियोज बना कर लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।